ब्यूटीफुल लग रहा है ये स्कार का व्यू आप देख सकते हो, पूरा धमाका हो गया। मेरे चैनल का नाम है इंडियन गर्ल ब्लॉग। महाराजा वेज बर्गर तुम लोग दिवाली में पहनोगे? अच्छा, कौन इसको दिवाली में, ये लड़की, ये हम दोपहर में आए थे और स्पेशल छीला वो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत टाइम बाद एज अ लाइफस्टाइल व्लॉग बना रही हूँ। आज ऐसे ही मुझे मूड हुआ, समय सोची तो सो आज लाइफस्टाइल व्लॉग करते हैं। और आज संडे है, आज थोड़ा स्पेशल डे भी है बिकॉज आज हम सब जा रहे हैं दिवाली शॉपिंग करने के लिए। सो दिवाली आने वाली है, दिवाली की सफाई तो स्टार्ट नहीं हुई है बट शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी फिलहाल चलते हैं, दोपहर का टाइम है और संडे भी है, तो अभी जा रहे हैं दिवाली शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं क्या क्या फाइनल होता है। ये आप रास्ते का स्काई देख सकते हो, अभी हम लोग जा रहे हैं, दोपहर का टाइम है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये स्काई दूर से देखने में। और इस रूट से हम जा रहे हैं फिलहाल, पहले हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे मैग्नेटो मॉल, बट अभी हमारा रूट चेंज हो गया है और अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम मैग्नेटो मॉल ना जाके हम जाएंगे अंबुजा। अंबुजा जाने के लिए मुझे रूट चेंज करना है। अंबुजा जाने के लिए अभी हमने नया रूट लिया है और ये जो रूट है ये फाइनली डायरेक्ट कनेक्ट करती है अंबुजा मॉल में और ट्रैफिक भी कम रहता है, इस वजह से मैं इस रूट पे जा रही हूँ। और अगर हम जाते मैग्नेटो मॉल तो हम जाते इस रूट से और यहाँ से स्ट्रेट जाने पे मिलता है मैग्नेटो मॉल। और नीचे का व्यू आप देख सकते हो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि मैं ब्रिज से बना रही हूँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंबुजा दी मॉल और देख सकते हो ये जो है ये है अंबुजा मॉल और यहाँ पे ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे सारी जो गाड़ियाँ होती है वो पार्क होती है, काफी ज्यादा गाड़ी है। फिलहाल अभी हमने भी अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी है, अब हम जा रहे हैं अंदर। तो धमाका हो चुका है बिकॉज हेमा ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी है और जैसे ही हेमा इधर आ, चश्मा कहाँ है, ये लगाई दूँ, दिख गया। तो जैसे ही इसने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, इसके चैनल पे आप देख लेना इसने कैसे स्टार्ट किया था, तो उसके बाद क्या वो पूरा धमाका हो गया। मेरे चैनल का नाम है इंडियन गर्ल ब्लॉग। हाँ, फिर इसके चैनल का नाम में जाके देख सकते हो। तो अभी मैं, हेमा और पूजा, वेयर इज पूजा, सफेदी, सॉरी वो थोड़ा बिजी है, मेरी बड़ी बहन है, मिलाती हूँ मैं आपको। पूजा हाय, हाय, हेलो, आप मिल लिए ना मेरी बड़ी बहन से, चलो अब शॉपिंग करना, आज वही शॉपिंग करा रही है। इस मॉल में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो वही अच्छा लगता है मुझे। फिलहाल ये एंट्री गेट है, यहाँ से अभी हमको करनी है एंट्री। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मॉल के अंदर और बाहर जितनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मॉल के अंदर उतना ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, मतलब कि अच्छा लग रहा है। और आज संडे है, इस रीज़न से आज आपको मॉल में काफ़ी ज़्यादा लोग दिखेंगे। यहाँ से हमने एंट्री की और अभी अंबुजा मॉल सेलिब्रेट कर रहा है 9 ईयर्स, 9 साल हो चुके हैं अंबुजा मॉल को। मॉल आते ही साथ सबने डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले मैकडोनल्ड जाएंगे, बर्गर खाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। और जब कभी भी हम लोग साथ में शॉपिंग करने आते हैं ना तो यही होता है, सबसे पहले खाने जाते हैं। तो अभी जा रहे हैं मैकडोनल्ड, पहले खाएंगे उसके बाद शॉपिंग करेंगे। इन लोग का तो हो गया है, चलते ही रहता है। फिलहाल हम चलते हैं मैकडोनल्ड में और यहाँ पे पूजा पोज मार रही थी और हेमा तो व्लॉगिंग कर रही है, लेट्स गो। ये है बर्गर के ऑप्शंस, आप यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हो। अभी फिलहाल पूजा और हेमा ऑर्डर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कहीं पे कोई भी प्लेस डिसाइड करेंगे कहाँ पे बैठना है, फिर वहाँ पे बैठ के खाएंगे। वैसे तो आज संडे करके पूरा फुल है, सो मुझे लास्ट वाला ठीक लग रहा है, मैं वहीं जाके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे आके बैठ गई हूँ क्योंकि अभी चेयर का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, संडे है तो बहुत सारे लोग आके बैठे हुए, तो मिलेगा भी नहीं इससे पहले, मैं यहीं आके बैठ गई हूँ। फिर अभी उन लोग ऑर्डर कर रहे हैं, फिर आएंगे। आ चुका है हमारा बर्गर, ये पूजा अभी पेरी पेरी फ्राइज उसमें मिक्स कर रही है और ये है एक महाराजा वेज बर्गर और एक ये पनीर प्लस कोक। सो ये मेरा किंग साइज बर्गर है, देखने में भी कितना ज़्यादा बड़ा है। फिर हम जा रहे हैं बाटा, हेमा को चाहिए स्लीपर सैंडल, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाके देखेंगे। फाइनली आ चुके हैं शॉपर स्टॉप में और यहाँ पे सैंडल्स देख रहे हैं क्योंकि हेमा को चाहिए सैंडल, तो इसकी वजह से सैंडल की यहाँ पे सर्चिंग चल रही है। हेमा भी सैंडल ही देख रही है, सैंडल देखने का काम हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर पीसेस वाले इयर रिंग्स भी हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और इधर पे पेंडेंट हैं। हेमा की शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है अभी, मतलब एक तो उसका हो गया है, बाकी और हम लोग अभी जा रहे हैं देखने के लिए आगे। हेमा गॉगल चेक कर रही है, इसको गॉगल भी लेना है। इतने सारे चश्मे चूज करने के बाद भी अभी इसको डाउट है
कि ये कौन सा चश्मा ले। तो अभी हम आ चुके हैं एथनिक सेक्शंस में, क्योंकि पूजा को सूट लेना रहता है, तो इसलिए अभी हम एथनिक सेक्शन में सूट देख रहे हैं क्या क्या सूट है। वैसे बहुत सारे अभी दिवाली का नया नया स्टॉक आया है सूट में, इधर भी बहुत सारे सूट के कलेक्शन है। जब भी दिवाली की शॉपिंग करने आओ ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ पसंद भी आ जाती है। ऐसे लगता है कि क्या लो क्या नहीं लो, बट अभी फिलहाल पूजा देख रही है क्योंकि वो सूट पहनती है, इसलिए वो सूट देख रही है। हाँ ये वाला ठीक है। अभी हम जा रहे हैं H&M में, शॉपर स्टॉप में। हमने कुछ कुछ सामान लिया है लेकिन अभी पूरा फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं H&M में शॉपिंग करने के लिए। और H&M में एंटर करते ही दिवाली वाले बहुत सारे ड्रेसेस मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, और संडे की वजह से काफ़ी भीड़ भी है। और यहाँ पे ये दोनों इस ड्रेस को देख रहे हैं, ये तुम लोग दिवाली में पहनोगे हैं? कौन इसको दिवाली में, ये लड़की ये इसको दिवाली में पहनेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें रहती हैं जो अच्छी रहती है और कंफ्यूजन वाली भी रहती है। ऐसे बैग्स वैग्स भी बहुत सारे हैं, H&M में बहुत सारे चीज़ें रहती हैं। अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे वाले फ्लोर में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर जो है वो शॉपिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इस तरफ किड्स सेक्शन है, यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, और उधर है ट्रेंड्स, तो अभी फिलहाल हम जाएंगे ट्रेंड्स। हाँ आ रही थी पीछे, पता नहीं कहाँ चली गई है, ओ दिख भी नहीं रही है। अभी फिलहाल लास्ट में हम जा रहे हैं ट्रेंड्स में देखने के लिए कि इधर पे क्या क्या है। वैसे सामने तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस, हम दोपहर में आए थे और अभी हो गई है शाम, शाम के बज गए हैं 5-6, और 5-6 बजे के बाद अभी सिर्फ एक या दो ही गिफ्ट हमारा कम्प्लीट हुआ है दिवाली की शॉपिंग का, बाकी सब अभी बाकी है। तो अब हम जा रहे हैं कहीं और शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे अभी हमारी गाड़ियाँ रखी हुई है। तो अभी हम आ चुके हैं पंडरी में शॉपिंग करने के लिए, और पंडरी में लाइट वाइट ऑन हो चुकी है क्योंकि दिवाली की शॉपिंग हो रही है। लाइट से ज़्यादा ट्रैफिक भी हो गया है क्योंकि आज संडे है और बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं इस शॉप में, यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ कुछ ड्रेसेस लगी है जो कि अच्छी लग रही है, इसलिए अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए। बहुत ही ज्यादा घूमने के बाद अभी हम लोगों का जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो अभी हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे अभी थक हार के पूजा बैठी है, मोबाइल में देख रही है, और उसके बाद हेमा भी अपने मोबाइल में घुसी हुई है, और उसके बाद अभी हम मेन्यू चेक कर रहे हैं, हमको कुछ कुछ ऑर्डर करना है। हेमा मेन्यू देख रही है, पानी बॉटल है, स्टार्ट करते हैं कुछ खाने के लिए। तो फाइनली आ चुका है स्पेशल चीला, वो भी छत्तीसगढ़िया स्पेशल डिश, उसके साथ टमाटर की चटनी और वो तीखी वाली चटनी और प्याज। फाइनली आ चुकी है हमारी सेकंड डिश, और ये है पूड़ी और छोले, और बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है दिखने में भी, और ये वाली चटनी हमारी बची है तो इसके साथ हम ट्राई करेंगे।